हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल्स। मैं आपका दोस्त गणपत चौधरी। आज का हमारा टूर मांडवला गांव का है। मांडवला गांव की जो जाज मंदिर का आपको दिखाएंगे, ये आपको सामने जो गेट दिखाया जा रहा है ये जाज मंदिर का प्रवेश द्वार है। इस प्रवेश द्वार से होते हुए हम जाज मंदिर जाएंगे। ये मंदिर का जो मुख्य प्रवेश द्वार है, इस प्रवेश द्वार के अंदर से आपको जो बाहर का वो अंदर का दोनों जाज मंदिर का व्यू आपको दिखाएंगे। आज मैं आपको जाज मंदिर और उसके बारे में विस्तार से जानकारी दूंगा। इस मंदिर को जैन समाज द्वारा इस तरह डिजाइन किया गया है कि लोगों का ध्यान आकर्षित कर सके। इस मंदिर को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते रहते हैं। ये आपको सामने जाज दिखाया जा रहा है, इसके अंदर मंदिर स्थित है। और मंदिर बताने से पहले मैं आपको गार्डन दिखाता हूँ। गार्डन दिखाने के बाद इस मंदिर के अंदर हम प्रवेश करेंगे। अब हम मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे और मंदिर के जो अंदर का आपको व्यू दिखाएंगे। शानदार सा जो व्यू दिखाई देगा। और मंदिर को जो पूरा है वो कांच से बनाया गया है। मंदिर को इस तरह डिजाइन किया गया कि आपके जो कांच के अंदर एक परसाई चीज सीधी 100% दिखाई देगी। ये मंदिर है वो बनाने में, यदि इसका समय देखा जाए तो 5 साल 8 माह का समय लगाया गया है। मांडवला का जाज मंदिर, ये मंदिर गुरु शिष्य के रिश्ते का है, साक्षी माना जाता है। जाज मंदिर का निर्माण कराने का जो रहस्य क्या है,
किस सोर्स के आधार पर इसको तैयार किया गया है। मुंबई में जो चातुर्मास के दौरान उन्होंने जो तारण तीरण जहाज का जो प्रसंग सुना, इसको मैं आपको जो सीधे तौर तरीके से बताऊं तो जहाज सबको जो तार कर पानी से बाहर लाता है, तभी उनके जो मन में जहाज के जो आकार का मंदिर बनाने का विचार आया। इस मंदिर के अंदर आपको सर्वाधिक है वो कांस के स्तंभ मिलेंगे और कांस के स्तंभ पर ही इसको मंदिर को डिजाइन किया गया है। गाइस, ये मंदिर जालौर जिले के मांडवला गांव में स्थित जैन समाज का जहाज मंदिर। इसकी जो मुख्य विशेषता है, यह इंडिया का एकमात्र जैन मंदिर जो जहाज की जो आकृति में बनाया गया है। इस मंदिर में लोगों का ध्यान जो आकर्षक करने की मुख्य बातें, संगमरमर से जहाज को बनाया गया है। मंदिर को जो कांच, हीरा, पन्ना, मोती और सोने के रंगों से डिजाइन किया गया है, इसीलिए इसकी जो भव्यता देखते ही ध्यान आकर्षित होता है। इस मंदिर की देखरेख के लिए जिन कांति सागर सूरीश्वर महाराज स्मारक ट्रस्ट बनाया गया है।
इस जाज मंदिर को तैयार करने के लिए इस मंदिर में नक्काशी के लिए जो सिरोही की सोमपुरा, कांस की जो कारीगर के लिए जो किशनगढ़ के कारीगर, और नक्शे के लिए जो मुंबई से इंजीनियर लाए थे। मंदिर के अंदर जाने से पहले मैं आपको मंदिर की जो चारों तरफ से दिखाता हूँ मंदिर को, फिर इस मंदिर के अंदर हम प्रवेश करेंगे और अंदर का भी आपको व्यू दिखाएंगे। इस मंदिर की आधारशिला 9 मई 1993 में रखी गई। 30 जनवरी 1999 में पूर्ण रूप से मंदिर को तैयार किया गया। इस मंदिर में जो स्वस्थित करों का मंदिर है, जैन धर्म के सभी जो तीर्थ करों की प्रतिमाएं भी बनाई गई हैं। इस मंदिर को देखने के लिए देश विदेश यात्रियों के लिए भोजन और ठहरने की सुविधा भी उपलब्ध है। यह मंदिर जैन स्थल होने के कारण रात्रि भोज निषेध है। गाइस, जितना भी मंदिर था मैंने आपको कंप्लीट बताया है। यदि आपको जो वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।